अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में जो बाइडन ने यूएस मेक्सिको की दीवार के निर्माण को रोकने का दिया आदेश। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए ट्रंप ने दीवार बनाने का दिया था आदेश। 7 मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन भी हटाया गया। इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान जैसे देशों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो बाइडन एक मैसेज देना चाहते हैं, इट्स अ वन वर्ल्ड। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद है विष्णु सर। विष्णु सर, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। आई थिंक ये सीधे मैसेज देना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग बाय द पास्ट स्टैंडर्ड। वॉल जो है उसको खत्म करो। अमेरिका इज व्हाट अमेरिका इज स्टैंडिंग फॉर, यानी कि सब लोग आए, इक्वालिटी, और यहां पर रेफ्यूजी क्राइसिस, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, अमेरिका को शुरू से ही कहा जाता है इट्स वाज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अमेरिका महज एक मुल्क है जिसमें ओरिजिनल बाशिंदे बहुत कम हैं। ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, कोई भी नहीं कह सकता कि हम ओरिजिनल अमेरिकन हैं। तो इमिग्रेंट्स ने ही इस देश को बनाया है। पर मैं दाद देना चाहता हूँ राष्ट्रपति बाइडन को कि जिस स्पीड से, जिस मकसद से, जिस डिटर्मिनेशन से वो काम कर रहे हैं कि घंटों में शपथ लेने के बाद आपने इतने बड़े बड़े फैसले एकदम से किए, तो ये दिखाता है कि वो कितने डिटर्मिंड हैं, उनका विजन क्या है, और उनकी टीम जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो आसार बहुत अच्छे हैं, पर उनके सामने मुश्किलें भी बहुत ज्यादा हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।